सो जा फिर जगो। Taking turns, not a lesson learned. Who'd imagined I would crash and burn? But you got me there, so I'm declaring asylum. Welcome to Sharda's World. Sharda ki duniya mein aapka swagat hai. यहाँ पर Sambhavi का बैग पैक हो चुका है और Sambhavi के वापस हॉस्टल जाने की तैयारी शुरू हो गई है। इधर Sambhavi तैयार हो चुकी है, खाना खाने लगी है और मैंने उसके लंच भी पैक कर दिए हैं। ये देखिए, बस फाइनल पैकिंग की तैयारी चल रही है। यहाँ पर मैं अच्छी तरह से सारे जो खाना मैंने उसको दिए हैं उसको फॉइल पेपर से सील करने लगी हूँ, ताकि थोड़ा सा भी सब्जी का जो तेल है ना वो निकले नहीं। मेरा शुरू से आदत है, जब Sambhavi Saraswati का लंच भी पैक करती थी ना, तो टिफिन का जो सब्जी वाला डब्बा होता था उसको इसी तरह से फॉइल पेपर से सील कर देती थी, तो थोड़ा भी सब्जी जो है ना उसका ऑयल रिश्ता नहीं था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इस बार जितना भी ब्लॉग जा रहा है काफ़ी लेट जा रहा है, तकरीबन 8 से 9 दिन पुराना ये ब्लॉग है। एक्चुअली में मोस्टली मेरा ब्लॉग 1-2 दिन ही पुराना होता है, लेकिन इस बार हम काफ़ी लेट हैं क्योंकि मैं बाहर चली गई थी बिहार, फिर घूमना, फिर गेस्ट आ गए थे, तो सारा ब्लॉग 10 दिन पुराना जा रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन मैंने क्लिप बना लिया था तो सोचा अपलोड कर देती हूँ। Sambhavi को गए 10 दिन हो चुके हैं। हाँ, तो मैं बोल रही थी जो क्लिप तो मैंने बना लिए थे लेकिन एडिट नहीं कर पा रही थी, घर में गेस्ट थे, बच्चे थे, थोड़ा लेट जा रहा है सारा ब्लॉग फ्रेंड्स, प्लीज इग्नोर करना। मेन चीज पैसा तो पेटीएम भी कर सकते हैं, कार्ड नहीं भूलना चाहिए। Sometimes you win and sometimes you lose and sometimes it calls you right in the move. Come to my table, come to my bed, go easy my hunger, easy my head, bringing me fire. यहाँ पर मैंने 25 से 30 जामुन ले लिए हैं और बीज निकाल के मैंने कट कर लिए हैं। ये देखिए, इस साइज के जामुन थे, 25 से 30 ले लिए हैं। मैं बनाने लगी हूँ जामुन कूलर। मैं 2 ग्लास के हिसाब से आप सबसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। इसको ग्राइंडर जार में ले लिया है, अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड करूँगी। सबसे पहले मैं हनी ऐड करूँगी, आप चाहे तो चीनी ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून हनी ऐड कर दिए हैं, मैं थोड़ा सा हेल्दी वाला ड्रिंक बना रही हूँ। हनी ऐड करने के बाद इसमें ब्लैक सॉल्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा ड्राई मिंट पाउडर, अगर आपके पास फ्रेश पुदीना हो तो फ्रेश ही ऐड करना। 1 नींबू का जूस ऐड करेंगे और 1/2 ग्लास पानी ऐड करके पहले इसका फाइन सा पेस्ट तैयार कर लेंगे। Sambhavi के जाने के बाद हमने कोई क्लिप्स नहीं बनाए थे फ्रेंड्स, क्योंकि हर बार थोड़ा तो मन उदास हो ही जाता है और खाना तो हमने सुबह ही बना लिया था, तो पूरे दिन हम लोग रेस्ट किए थे और ये वक्त शाम का है। मैं Saraswati और मौसी के लिए ये ड्रिंक बनाने लगी हूँ और मौसा जी, Saraswati के मौसा जी और पापा चाय पियेंगे पकौड़े के साथ। लेकिन Saraswati और मौसी पकौड़े के साथ ये ड्रिंक लेने वाली है, तो पेस्ट बनाने के बाद 1.5 ग्लास मैंने पानी ऐड कर दिए थे और इसको अगेन मैंने एक बार चर्न कर लिया था। यहाँ पर 2 ग्लास में खूब सारा आइस क्यूब्स मैंने ले लिए हैं, बस इसको इसमें ऐड कर देंगे और मज़ेदार सा यम्मी सा जामुन कूलर तैयार है फ्रेंड्स। एक बार इस रेसिपी को ट्राई करना, जामुन अभी सीजन में है, बहुत ही मज़े का लगता है और हेल्दी भी है। और ड्रिंक तैयार करने के बाद यहाँ पर मैं पकौड़े फ्राई करने लगी हूँ और ये देखिए, 2 पैन में मैं पकौड़े फ्राई कर रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि सबको बहुत तेज़ भूख लगी है और झटपट से सबको मुझे सर्व करना है। एक ही साथ सबको मैं बिठा दूँगी और गर्मा गर्म फ्राई करके देती जाऊंगी, क्योंकि आज हम सब ने ब्रंच ही किया था, ब्रेकफास्ट नहीं किया था। और ये है पकौड़ा और हरी चटनी, ये देखिए दिनेश जी और ओझा जी एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पर मासी और मयंक रूम में एंजॉय कर रही है पकौड़े और Saraswati बाद में खाएगी, बाबू को घुमा रही है। अब
यहाँ पर अब डिनर की तैयारी चल रही है फ्रेंड्स। तो कुकर में मैंने मटर ले लिया है, पीला वाला मटर, और दो आलू को छिलके कट करके ले लिए हैं पानी के साथ। इसको 4 से 5 व्हिसिल आने तक बॉईल करना है। डिपेंड करता है मटर की क्वालिटी पर, कभी कभी 2 से 3 व्हिसिल में भी मटर पक जाते हैं, लेकिन यहाँ पर मटर उतना अच्छा नहीं होता तो मुझे 4 से 5 व्हिसिल लगाना पड़ा था। मटर को मैंने सोक कर दिया था 7-8 घंटे के लिए, और जब तक मटर बॉईल हो रहा है यहाँ पर आलू पालक की मैं सब्जी बनाऊंगी। सरसों के तेल में मेथी, सूखी लाल मिर्च का मैंने तड़का ऐड कर दिया था, पालक, आलू और बैंगन को मैंने इसमें ऐड कर दिया है, थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दिया है। और नमक ऐड करने के बाद थोड़ी देर मैंने पकने के लिए रख दिया था ताकि कढ़ाई जो भर गया था ना वो थोड़ा सा खाली हो जाए। फिर मैंने हल्दी पाउडर और लहसुन का पेस्ट ऐड किया था, और लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद एक बार मिक्स कर लेना है और सब्जी को पूरी तरह से पकने तक पका लेना है। जब तक आलू पालक बैंगन की सब्जी बन रही है मटर घुघनी की तैयारी कर लेते हैं। तो कढ़ाई में सरसों का तेल ले लिया था, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्च और जीरा का तड़का ऐड कर देना है। एक बार सुपरस्टार की तरफ भी घुमा लो, हम लोगों की तरफ भी घुमा लो। तड़का जब क्रैकल हो जाएगा फिर एक बड़ा सा प्याज और हरी मिर्च हम ऐड कर देंगे। प्याज को मैंने ग्रेट कर लिया था, थोड़ी देर सॉटे करना है। फिर 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया था। अगेन थोड़ी देर सॉटे करने के बाद एक मुट्ठी मैंने हरा धनिया ऐड कर दिया। अगेन बस 1/2 मिनट तक सॉटे कर लिया। फिर धनिया जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देने हैं। जस्ट 1/2 मिनट तक सॉटे करेंगे, फिर जाएगा ग्रेटेड टमाटर। तो एक बड़ा सा टमाटर को ग्रेट करके मैंने ऐड कर दिया है, और बस मसाला के तेल छोड़ने तक सोटे कर लेना है। यहाँ पर आलू पालक बैंगन की सब्जी बिल्कुल डन है, बस पानी ड्राई नहीं हुआ है। तो एक यहाँ पर भी हम टमाटर ऐड कर देंगे, बड़ा साइज का टमाटर एक मैंने ऐड कर दिया था, थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरी मिर्च भी ऐड किया था। अब पानी के बिल्कुल ड्राई होने तक सब्जी को पका लेना है। और यहाँ पर जो आलू मटर मैंने बॉयल किए थे इसमें जितने भी आलू ऐड किए हैं मैंने, इसको अच्छी तरह से मैश कर देना है। मटर को बिल्कुल मैश नहीं करना है, आलू को मैश कर देना है, और बस सब्जी को मैंने जो मसाला तैयार किया था उसमें ऐड कर देना है। नमक ऐड करेंगे और थोड़ी देर इसको 7 से 8 मिनट तक स्लो फ्लेम पर पका लेना है। जब अच्छी तरह से सब्जी पक जाएगा फिर इसमें खूब सारा कोरिएंडर लीव्स ऐड कर देंगे। मटर घुघनी बिल्कुल डन है। पूरी के साथ ये वाली सब्जी और ये आलू पालक बैंगन की सब्जी बहुत ही बेस्ट जाता है फ्रेंड्स। तो एक बार ये थाली पूरी तरह से तैयार करके देखना। यहाँ पूरी मैंने बेल लिए हैं, और आज जो मैं पूरी बना रही हूँ वो अजवाइन और हींग वाली है। कई बार आप सबसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, बस आटे नॉर्मल जो गेहूं का आटा होता है उसमें अजवाइन, नमक, हींग और मुआइन ऐड करके आटा लगा लिया था। पूरी को फ्राई कर लेना है। और मेरे घर जब भी पूरी बनती है तो आलू पालक बैंगन की सब्जी मस्ट 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 है। अगर नो ओनियन गार्लिक बनाना हो तो वो भी बना सकते हैं। बस तड़के में मेथी, सूखी लाल मिर्च और हींग का तड़का ऐड करेंगे, जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड नहीं करेंगे। और अगर लहसुन खाना हो, अगर पूजा में पूरी नहीं बना रहे हैं, नॉर्मल डे में बना रहे हैं, तो लहसुन का पेस्ट जरूर ऐड करना, बहुत मजे की बनती है फ्रेंड्स। और मैंने आमरस भी बनाए थे, बस सिंपल सा बनाया था, मैंगो ले लिया था, उसमें थोड़ा सा दूध, केसर, इलायची के साथ मैंने चर्न कर लिया था और उसको ठंडा कर लिया था इलायची पाउडर के साथ, और थोड़ा सा चीनी भी ऐड करना है, लेकिन मैंने ऐड नहीं किए थे फ्रेंड्स। और ऊपर से केसर के कुछ धागे और पिस्ता से जरूर गार्निश करना। तो फ्रेंड्स मैं अगेन बोल रही हूँ, अभी मैंगो का सीजन है, एक बार ये पूरी थाली आप तैयार करके देखना, बहुत ही बेस्ट जाता है। कोई गेस्ट आए तो भी ट्राई कर सकते हो, वैसे भी किसी संडे को स्पेशल लंच डिनर में बना सकते हो। बहुत मजे का कॉम्बिनेशन है, पूरी, मटर घुघनी, आलू पालक बैंगन, रायता और साथ में आमरस। और यहाँ पर ये देखिए चायोज का गौर्स चाय हर्बल ग्रीन टी, चायोज का ये हर्बल ग्रीन टी है, वो बनाने लगी हूँ। खाना खाने के बाद मोस्टली मैं अजवाइन पुदीने वाली चाय पीती हूँ लंच डिनर के बाद, लेकिन आज सबको ये वाला ग्रीन टी पीने का मन था तो किचन की सफाई मैंने कर ली है। सबसे बड़ा काम तो यही होता है इतना सारा खाना बनाने के बाद, और अब चाय बनाने लगी हूँ। और आज मैं बहुत थक चुकी हूँ फ्रेंड्स, तो थोड़ी जल्दबाजी कर दी मैंने, पहले पानी को उबाल लेना है प्रॉपर, फिर चाय ऐड करके ढक के थोड़ी देर छोड़ देना है। और यहाँ पर मैं अपने छोटे से ग्लास में चाय ले रही हूँ अपने लिए, और ये 3 है, मनीषा, उसके हस्बैंड और दिनेश जी के लिए।
तो चलिए फ्रेंड्स, आज के रात को इस चाय के साथ एंड करते हैं, हेल्दी वाले चाय के साथ। वो देखो चुनू, पापा निकल गए, आगे निकल गए और हम लोग पीछे रह गए। आज मेरी गलती नहीं है। नहीं, चलो आज मम्मी मम्मी भागना शुरू करते हैं। नहीं, मूड में तो हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। आज मेरे ऊपर नाम नहीं, गर्मी आज बहुत है। गर्मी बहुत है, नहीं यार गर्मी। अभी तो दो भी नहीं कम्प्लीट हुए हैं, अभी स्टार्ट ही हुआ है। कोई बात नहीं, इसके बाद दो और करना है, कम से कम, ज्यादा कर ले तो अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, ये क्लिप थोड़ा सा नेक्स्ट डे मॉर्निंग का है। आज सरस्वती स्कूल नहीं गई है, हम लोग अर्ली मॉर्निंग वॉक पे आ गए हैं। तो ब्लॉग काफी लंबा हो चुका है फ्रेंड्स, यहीं पे हम लोग वॉक करते हैं और ब्लॉग को एंड करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।